हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सी टेट 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम सी टेट 2016 का क्लास 1 to 5 का पेपर कराने वाले हैं। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, रिपीटेडली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है, तो हम सिर्फ राइट ऑप्शन पर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो उसमें क्या होगा, सही, उन्होंने ZPD वगैरह की भी बात की थी। तो यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है, सहायता देना, बच्चों के आकलन में सहायता देना जहाँ पर भी वो अटक रहे हैं। तो आप अगर उनकी संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आप सहयोगी प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो आपको बता पाएँ कि वो किसी चीज़ को लेकर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। थर्ड है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, तो कैसा होगा आकलन, यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो तभी आपका जो आकलन है वो उद्देश्यपूर्ण होगा। जिससे वह त्रुटि से क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन देख ली, आकलन का उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या रहनी चाहिए। तो सुविधादाता, ठीक है, जहाँ पर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत हो वहाँ पर टीचर उसकी हेल्प कर सके, ऐसा शिक्षक को होना चाहिए NCF 2005 के अनुसार। फिफ्थ क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या करती हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शन का कार्य करता है। सिक्स्थ देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये कथन कैसा है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगर बच्चा अलग समाज और संस्कृति से आता है तो बच्चे एक दूसरे से उनकी समाज और संस्कृति के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो ये एक सही ऑप्शन होता है। ठीक है, एट्थ है, सुनने में असमर्थ बच्चा क्या करेंगे, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ एक प्रतिभाशाली बच्चा ही अच्छा कर सके, अगर टीचर बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के प्रति संवेदनशील है, उसके प्रति अच्छे से व्यवहार कर रही है, तो बच्चा क्या करेगा, टीचर को अपनी हर प्रॉब्लम बताएगा और उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और जिससे क्या होगा कि एक मंदबुद्धि या किसी भी डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चा भी अच्छा करेगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो प्रतिभावान क्या हो, कैसे होते हैं, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि किसी भी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है, तो उसे और ज़्यादा समय चाहिए, और ज़्यादा कार्य चाहिए जिससे वो और नई नई चीज़ें सीखता रहे। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, पुरस्कार वगैरह नहीं देना, ड्रिल और अभ्यास। आपका राइट ऑप्शन सी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अब बढ़ते हैं 11th की तरफ,
बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं और वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, ठीक है, और सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते। तो आपका 2, 3, 4 यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। बच्चे निष्क्रिय हो ही नहीं सकते, वो तो इतना उछल कूद करते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो सी देखते हैं, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल उनको देंगे उतने ही ज़्यादा वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सॉरी 13 देखते हैं क्या है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। उनके संवेग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं जहाँ बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो उनके संवेगों को, उनके इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। वो कैसा फील कर रहे हैं और कैसी उन्हें शिक्षण विधियाँ चाहिए, ये सारी चीज़ें देखना शिक्षक और शिक्षिकाओं का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। 14 देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में के बारे में आपको क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया। तो स्पष्ट है कि बच्चा देख रहा है कि कौवा है, कौवा क्या है, एक पक्षी है, तो बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका केवल बी है। क्वेश्चन अच्छा है तो आप इसको मार्क कर लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 15 देखते हैं कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन आ जाए, तो इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे कि हाँ तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये करो तो तुम्हें ये पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, अरे तुमने तो ठीक कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना। अगर बच्चा कहीं पे अटक रहा है तो हम क्या करेंगे कि तुम कोशिश करते रहो, तुम सीख जाओगे एक दिन। ऐसा ही हम लोग खुद को भी मोटिवेटेड करने के लिए ये चीज़ करते हैं, है ना। ऐसा ही हमें बच्चों के साथ भी करना है। 16 देखते हैं कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, ठीक है। ताकि अगर बच्चे का पर्सनल कोई मोटिवेटेड लक्ष्य होगा तो वो क्या करेगा, उसमें उसको पाने की पूरी कोशिश करेगा कि हाँ किसी भी तरह हम बस उसको पा लें, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक है। अब जैसे इसमें ही देख लीजिए कि रटवाना नहीं है, दंड नहीं देना है, अच्छे अंकों के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, तो आप ऐसे भी ऑप्शंस को हटा सकते हैं जो कि रॉन्ग हैं। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय यानी कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यह एक अनुकरणीय शिक्षा है, ठीक है, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर पद माने पैर, तो सिर से पैर की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए कि सिर पदाभिमुख को मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं, में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ठीक है। मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट उर नियम, इसको निकट उर नियम भी कहते हैं, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है, ठीक है। 20 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 20 देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रारंभिक बचपन का समय। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है। जितना उस समय आप बच्चे पर ध्यान दे लेंगे उतना ही वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, याद रखिएगा। प्रारंभिक 3-4 साल बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए भी
और भाषा विकास के लिए भी। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाएं का परिणाम होंगी, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण, क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वो भी खिलाड़ी रह चुके हैं, माता और पिता दोनों, तो उसके जेनेटिक में भी ये चीज़ आई है। और साथ ही माता पिता क्या कर रहे हैं, उसको प्रशिक्षण भी दिलवा रहे हैं, यानी कि उसका जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, उसको भी वैसा ही बना रहे हैं। तो ये कौन सी क्षमता होगी, अनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं। गौड़वाहक का मतलब क्या होता है कि द्वितीय श्रेणी में जो आए, तो इसमें कौन सा हो गया, विद्यालय और जो पास पड़ोस हो गए ये गौड़वाहक हो गए, और परिवार और पास पड़ोस यहाँ पर प्राथमिक है, ठीक है, सॉरी परिवार यहाँ पर प्राथमिक है, तो विद्यालय और पास पड़ोस ये गौड़वाहक हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 23 देखते हैं। लैब वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, संज्ञानात्मक सामाजिक अन्योन क्रिया के बारे में वाइगोस्की ने बात की है तो सभी को पता है, तो यहाँ पर सीधे सामाजिक और सांस्कृतिक तरफ ही जाएंगे। 24 किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, तो ये क्या है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ठीक है। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिए, सबसे पहले तो सामाजिक अनुकूलन संकुचन अनुकूलन कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ सकती है। 25 देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, उन्होंने बोला है ना कि जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, सक्रिय खोजबीन करते रहते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। 26 जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समावेशन और समायोजन के रूप में, नवीन जानकारी में संशोधन कर लेना समायोजन होता है, तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि जो नई जानकारी है उसमें सिर्फ संशोधन कर लेना तो वो समावेशन है, और आपके जो नई जानकारी है उसके द्वारा पुरानी जानकारी में संशोधन कर लेना वो समावेशन होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है 26, ये पूरा पेपर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज और प्रोत्साहन देता है, ठीक है। बच्चों से लगातार हमें खोज करानी है जिससे वो खुद ही सीखने में सक्षम हो सकें। 28 हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, क्योंकि उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है कि हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग बुद्धि होती है ना, इस वजह से उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक को यही चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने हेतु बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। 29 क्वेश्चन देखते हैं, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहेगा, और लैब वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयोगों के प्रयासों के रूप में करेगा। याद रखिएगा जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा के बारे में बात की है, और लैब वाइगोस्की ने निजी भाषा के रूप में बात की है, ठीक है। पूछ लेते हैं निजी भाषा के बारे में किसने बात की, तो नाम आपको रख देंगे कि जीन पियाजे, लैब वाइगोस्की, ठीक है। इसी तरह अहम केंद्रित भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है लिंग है, लिंग क्या है, जैविक सत्ता, ठीक है, जेनेटिक है आपका जो भी लिंग है।
तो आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। आज का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।